हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम क्लास टेंथ की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले हम जेनेटिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए हेरिडिटी और वेरिएशंस होते क्या है। अगर हमें हेरिडिटी और वेरिएशन ही नहीं पता तो हम जेनेटिक्स में कुछ नहीं जानते। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, यानी पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वही हेरिडिटी कहलाते हैं। यानी अगर हम डिफाइन करें हेरिडिटी को तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती है? तो आपने हमेशा देखा होगा आपके पेरेंट्स हैं उनमें और आप में बहुत डिफरेंस रहेगा, आप एक दूसरे के एकदम सिमिलर नहीं होंगे, ये वेरिएशन की वजह से होता है। तो डिफरेंस दैट ऑब्जर्व अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन, यानी सेम स्पीसीज के मेंबर में जो डिफरेंस ऑब्जर्व होता है वही होता है आपका वेरिएशन। अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ वेरिएशन तो मेनली दो कॉजेज ऑफ वेरिएशन होते हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कॉज होती है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जीजे मेंडल। जीजे मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम में। पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पीपर, याद रखना है पाइसम जेनेरा और सटाइवम स्पीसीज है, ये एक साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज को, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है करेक्टर, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। तो एनी हेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी करेक्टर क्या है? एक हेरिटेबल फीचर है ऑर्गेनिज्म का। हेरिटेबल फीचर का मतलब क्या होगा? वो फीचर जो ट्रांसफर हो सके पेरेंट से प्रोजेनी में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लांट हाइट, हाइट भी एक फीचर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेट की, तो ट्रेट क्या है? वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, यानी कैरेक्टर जो होते हैं उनकी जो वेरिएबल फॉर्म होती है वो ट्रेट होती है। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रेड का प्लांट हाइट, यानी मैंने एग्जाम्पल लिया हाइट। हाइट दो तरह की होंगी, या तो टॉल होगा या होगा डार्क। तो हाइट जो है हमारा एक करेक्टर है, जबकि टॉल और डार्क क्या है हमारे, ये दो हमारे ट्रेड्स हैं। तो आपको याद रखना है कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा जीन और फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था जीन्स को, और बाद में जब आगे डिस्कवरी हुई तो पता पड़ा फैक्टर ही जीन होते हैं। अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जीन ही हेरिडिटी की यूनिट है। अभी आपको मैंने हेरिडिटी बताया था, हेरिडिटी मतलब जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो यानी जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? जीन। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू गैमेट्स। अभी बताया था आपको जीन जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी पेरेंट टू प्रोजेनी, किसके थ्रू? थ्रू गैमेट्स। नेक्स्ट है इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी जीन है क्या? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है हमारा एलील। तो आपको पता होना चाहिए एलील क्या है। तो जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, लोकस का मतलब पोजीशन, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो दो क्रोमोसोम्स जो ऑलवेज पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं और
एक जैसे होते हैं, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको जीन के बारे में बताया था, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यानी जीन जो है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। क्यों? ये क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का ही फॉर्म्ड होता है, यानी क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए प्रोटीन की पैकिंग की वजह से ही फॉर्म्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरी कोई जीन है जो हाइट के लिए प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उस जीन के दो ट्रेड्स होंगे, एक हाइट टॉल के लिए और दूसरा या तो हाइट टॉल के लिए होगा या हाइट डार्क के लिए होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में एलील्स कहलाएंगे, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स, है ना। यानी ये वाला कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी, ये भी क्या होंगे आपस में, एक दूसरे के एलील्स होंगे। तो आपको पता पड़ा एलील्स क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट होती है उनको हम एलील्स बोलते हैं, और इनका काम होता है कंट्रोल द सेम कैरेक्टर, यानी ये सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होमोजाइगस कंडीशन, तो होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सिमिलर एलील्स प्रेजेंट होती हैं। यानी अगर मैं यहां पर फिर से एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता हूं, तो यहां पर फिर से एलील्स प्रेजेंट होंगी। अगर ये कैपिटल टी टॉल हाइट को शो कर रहा है, तो ये भी अगर कैपिटल टी टॉल हाइट को शो करता है, तो देखिए दोनों टॉल टॉल हाइट को शो कर रहे हैं, दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन है, यानी सिमिलर एलील्स हैं और सेम कैरेक्टर को शो कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन जहां पे ऑर्गेनिज्म के पास डिसिमिलर एलील्स होती है। यानी अगर मैं फिर से होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता हूं, तो फिर से यहां पर दो एलील्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन अब की बार ये एलील्स डिसिमिलर होंगी। यानी अगर एक एलील टी टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, तो दूसरी एलील स्मॉल टी यानी डार्क हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। यही होती है हमारी हेटरोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फिनोटाइप पे, तो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो होती है आपकी फिनोटाइप। यानी जैसे हाइट, हाइट से आप बता सकते हैं, एक्सटर्नली पता कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कलर, तो आप कलर देख के भी आराम से बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल होंगे फ्लावर कलर्स और स्टेम हाइट एक्सेट्रा, यानी वो चीजें जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं अपनी आंखों से और उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होगा, यानी यहाँ पर जेनेटिकली कंस्टिट्यूशन होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये था हमारा जीनोटाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील की। तो द एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस कंडीशन, यानी वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन में, वो होगी हमारी डोमिनेंट एलील। जैसे अगर मैं बनाता हूँ कैपिटल टी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा टॉल हाइट को, और अगर मैं बनाता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल हाइट को। यानी यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? यहाँ पर डोमिनेंट है कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी क्या है? एग्जाम्पल है डोमिनेंट एलील का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेसेसिव एलील। तो द एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन, यानी वो एलील जो अपने आप को खाली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकती है, वो होती है हमारी रेसेसिव एलील। जैसे स्मॉल टी, तो ये एक्सप्रेस होगा किसके लिए? डार्क के लिए। तो ये हमारे रेसेसिव एलील है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर हेटरोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, और हेटरोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी ये सिर्फ एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि डोमिनेंट एलील क्या था? वो जो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था।
तो आपको याद रखना है रिसेसिव एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है मोनो यानी सिंगल, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी अ क्रॉसिंग इन्वॉल्विंग वन कैरेक्टर जैसे प्लांट हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर दो कैरेक्टर लेता हूं, एक टर्न और एक डाफ, तो यहां पर मैं प्योर टर्न लूंगा और प्योर डार्फ लूंगा, जिसको स्मॉल टी से नोट करूंगा, और टॉल को कैपिटल टी से। ये हमारी पेरेंटल जनरेशन। जैसा आप जानते हैं जीन है, यहां से एक गैमेट निकलेगा कैपिटल टी और यहां से एक गैमेट आएगा स्मॉल टी, दूसरा गैमेट यहां से निकलेगा कैपिटल टी और यहां से भी दूसरा गैमेट निकलेगा स्मॉल टी। दोनों गैमेट सिमिलर है, यहां पर भी दोनों गैमेट सिमिलर है, तो यानी हम सिंपल कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉसिंग करा देते हैं। तो जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे, हमें मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है हमारा F1 प्रोजेनी है। और कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या होगा, हमारी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो टॉल होगी, यानी हमारे सारे प्लांट्स क्या होंगे टॉल होंगे। अगर हम F1 प्रोजेनी में सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं F1 प्रोजेनी में सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा तो मेरी F1 प्रोजेनी है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर मैं इनमें क्रॉसिंग कराता हूं तो यहां पर इनमें क्रॉसिंग कराऊंगा मैं पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। तो पुनेट स्क्वायर क्या है, ये एक स्क्वायर है जो हमें हेल्प करता है क्रॉसिंग में। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं मेल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर मैं लिखूंगा फीमेल कैरेक्टर यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर मैं इनके बीच में क्रॉसिंग कराता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी तो ये शो कर रहा है टॉल हाइट को, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हाइट को शो कर रहा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हाइट को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल टी तो ये शो करेगा डार्क हाइट को। और अगर हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, तो जरा ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था फिनोटाइप क्या होगा, जिनको आप एक्सटर्नली अपीयर कर पाएंगे, यानी टॉल हाइट है आप इजीली पता कर पाएंगे कि हाइट ज्यादा है या कम है। तो टॉल कितने है, 3 है। और अगर मैं बात करता हूं डाफ हाइट की, तो डाफ कितने है, 1 है। तो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 3:1। तो अगर मैं बात करता हूं जीनोटाइपिक रेशियो की, तो वो क्या होगी हमारी, जरा देखिए कैपिटल टी हमारा 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे 2 है, और स्मॉल टी हमारा 1 है। तो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के लॉ, और साथ में ही सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।